हमारे लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले रूट मोबाइल शेयर के बारे में। इस शेयर का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा दोस्तों, Q4 रिजल्ट में आप देख सकते हैं। न्यूज़ की बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ में बता रहे हैं 97% इनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है और रूट मोबाइल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जंप इन फिस्कल Q4। तो अभी दूसरी न्यूज़ बता रही है कि इनका नेट प्रॉफिट जंप किया है Q4 में। तो इस न्यूज़ के चलते लोगों ने अभी लोगों में डरावट का माहौल बनाया है और उस वजह से ये शेयर बहुत गिर चुका है दोस्तों। ये कंपनी काम करती है क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में। ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कंपनी 2004 से कम मार्केट में काम कर रही है और इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में और कंपनी हैज प्रेजेंस इन मोर देन 15 लोकेशंस अक्रॉस इन एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इंडिया में भी काम करती है ये कंपनी और आउट ऑफ इंडिया भी काम करती है। और इनकी सब्सिडरीज है दो, रूट मोबाइल UK लिमिटेड एंड 365 स्क्वायर लिमिटेड। तो ये दो सब्सिडरीज है इनकी। और देख सकते हो अर्निंग कॉल्स में अभी आप देखोगे तो ये देखो Q4 2022 EPS बीटन 8.81%। तो अर्निंग पर शेयर इनका बीट कर चुका है, जो भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे उनको इसने बीट किया है। तो अभी रिजल्ट तो अच्छे दिख रहे हैं। आप देखो दो न्यूज़ अलग अलग न्यूज़ रिपोर्टर ने दो अलग अलग न्यूज़ छापी है, इस वजह से मार्केट में डरावट का माहौल पैदा हुआ है और उस वजह से आप देख सकते हो शेयर में भारी भरकम गिरावट हुई है। और अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,121 करोड़, इसका फेस वैल्यू है 10, फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है। और इसका PE देखो दोस्तों 234 रुपीज़ पे PE जा चुका है। के सेक्टर का PE देखो दोस्तों 37 पे चल रहा है सेक्टर PE और शेयर का PE देखिए 234। तो ये बहुत ही भाग चुका है, इस वजह से भी ये गिर सकता है और मार्केट में थोड़ा सा माहौल बना दिया है तो इस वजह से भी ये शेयर गिरा है आज के दिन। और अभी हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर के पास है 59.82%, FIIs है 20%, DIIs है 5.8% और पब्लिक है 13%, 13.95, 14% तक पब्लिक है दोस्तों। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, FIIs ने दबा के माल उठाया, 20% FIIs है दोस्तों। और अभी देखिए इसकी पीयर्स कंपनियां रूट मोबाइल की TCS, इंफोसिस, HCL टेक, विप्रो, तो ये सभी बड़ी कंपनियों के साथ टक्कर दे रहा है और अच्छा खासा भाग चुका था ये शेयर। और इसमें अच्छा खासा भागने के बाद इसमें बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है दोस्तों, 50% तक ये शेयर गिर चुका है अभी। और अभी आज के दिन ही 20% गिर चुका था ये शेयर। अभी आप कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो, कंटिन्यूसली कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाते जा रही है, ग्राफ में ही समझ में आ जाएगा आपको। और अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट इसमें ऐड नहीं हुआ है, अदरवाइज ये भी ऊपर जाता कैंडल। और देखिए नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी अप डाउन चल रही है दोस्तों इनकी। आप देख सकते हैं 17 से डेटा अवेलेबल है, 17 में 51 करोड़ था, फिर 18 में 10 करोड़, 19 में 8 करोड़, 20 में 7 करोड़, थोड़ा सा डिक्लाइन होते जा रहा है। और अभी इन्होंने पूरी रिकवरी कर ली है 2022 में, 21 में 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और देखिए इस कंपनी के रिजर्व्स भी एकदम बढ़ गए, 287 करोड़ के रिजर्व्स है दोस्तों, और इनके पास पहले 30 करोड़, 24 करोड़ के रिजर्व्स थे। और देखिए आज के दिन ये शेयर 15% गिर चुका है दोस्तों, और ये शेयर अपने 52 वीक हाई से पूरा 50% तक गिर चुका है दोस्तों। अब देख सकते हैं पिछले 1 मंथ में इसमें 20% की गिरावट है और पिछले 6 महीने में इसमें 32% की गिरावट है दोस्तों। और एक साल में देखिए 18% दिखाई दे रहा है आपको एक साल में, मगर मोटा मोटा आप पकड़ के देखोगे इसको 5 सालों में देखिए ये शेयर 30% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए इसने। और इस कंपनी लिस्ट अभी अभी हुई है मार्केट में 2020 में, और मैक्सिमम देख सकते हो अभी कंपनी 2020 में मार्केट में लिस्ट हुई है 938 रुपीज़ पे, और वहाँ से ये भाग के पूरा 2400 तक गया था दोस्तों। और 2400 से अभी आप देख सकते हो 1200 तक आ चुका है, 1228 रुपीज़। तो ये कम्प्लीटली 50% गिर चुका है दोस्तों अपने 52 वीक हाई से, अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।